एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आइए एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर कॉमन पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन और स्वच्छता। दोस्तों यूनिट सेकेंड हम देखने वाले हैं। इसके पहले हम यूनिट वन कंप्लीट और यूनिट फोर कंप्लीट हम देख चुके हैं। ये आपके तीसरी यूनिट यानी कि यूनिट टू स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद एक यूनिट और बच जाती है, यूनिट थ्री। उसके बाद आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स अगले 3 से 4 वीडियो में आपकी पूरी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसमें क्या देखेंगे, यूनिट टू देखेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड सेमेस्टर। आपके यूनिट का नाम है विद्यालय प्रबंधन के तत्व, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला दोस्तों, स्कूल से आप क्या समझते हैं, स्कूल के क्या फंक्शंस यानी कार्य होते हैं, समाज और स्कूल में क्या संबंध होता है, और विद्यालय भवन डिज़ाइन एवं तत्व। स्कूल की डिज़ाइन कैसी होती है, स्कूल के कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से तत्व होते हैं, ये आपको पढ़ना है। ये पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक क्या था भाई, स्कूल के बारे में पढ़ना, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। दूसरा है कि स्कूल इन्वायरमेंट, विद्यालय वातावरण का अर्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, समय सारणी जिसे टाइम टेबल कहते हैं। कई बार सवाल आपसे पूछता है कि टाइम टेबल से आप क्या समझते हैं, टाइम टेबल का उद्देश्य, विशेषताएं, प्रकार, ये सारी चीज़ें आपसे सवाल पूछे थे। समय सारणी के निर्माण के सिद्धांत, किन सिद्धांतों पर समय सारणी का निर्माण करना चाहिए, एवं समय सारणी को तैयार करने की तकनीकें, शिक्षा समय सारणी और संपूर्ण विद्यालय समय सारणी और सर्वमान्य समय सारणी, कक्षा समय सारणी, ये जो टाइप्स ऑफ समय सारणी है, मतलब टाइप्स ऑफ टाइम टेबल है, इनके बारे में जानना है कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। चलिए थर्ड दोस्तों, भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन का मतलब, स्कूल में मान लीजिए आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका लाइब्रेरी, आपका हॉस्टल, आपका कैंटीन, आपका ये आपका बाइक स्टैंड या साइकिल स्टैंड, आपका प्लेग्राउंड, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे सवाल पूछता है। तो भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, हॉस्टल, छात्रावास, स्टाफ रूम, क्लासरूम, बालक के अनुकूल विद्यालय एवं प्रणाली, स्कूल वित्तीय आय स्रोत एवं व्यय की वस्तुएं, स्कूल में पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे खर्च होते हैं, इनके बारे में, ये आपका तीसरा टॉपिक है। दोस्तों आसान सा यूनिट है, सवाल अच्छे खासे इसमें पूछे जाते हैं और रिपीटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। पहले हम इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों आपके इस यूनिट सेकंड का पहला पॉइंट, जिसे विद्यालय प्रबंधन के तत्व का पहला पॉइंट हमारा क्या है। पहला पॉइंट है दोस्तों विद्यालय प्रबंधन के तत्व, विद्यालय इसके कार्य, विद्यालय एवं समाज में संबंध, विद्यालय भवन डिज़ाइन एवं तत्व, ये पॉइंट हम देखेंगे। बाकी 2 पॉइंट अगले 2 वीडियोज़ में देखेंगे और हम उसको ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है और सवाल किस टॉपिक से पूछा जाता है, जैसे स्कूल की अर्थ परिभाषा लिखिए, इस विद्यालय स्कूल की आवश्यकता और महत्व बताइए, विद्यालय के कार्य क्या होते हैं, विद्यालय और समाज में क्या संबंध होते हैं, ये आपको जानना है इस वीडियो में हम देखेंगे। और दूसरा सवाल स्कूल बिल्डिंग से पूछा जाता है, एक अच्छे विद्यालय भवन की विशेषता बताइए, विद्यालय भवन के डिज़ाइन और स्वरूप, क्या डिज़ाइंस और स्वरूप होते हैं वो आपको बताना है, विद्यालय भवन के निर्माण किस तरीके से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, विद्यालय भवन के प्रमुख भाग कौन कौन से, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रखे रखाव संबंधी सिद्धांत, द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द सेफ्टी एंड द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्कूल को कैसे आप सजा के बना के सुंदर बना के आप रखेंगे, ये आपको सवाल इस तरीके से पूछता है। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, विद्यालय के अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे, स्कूल की अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बजाय इस थ्योरी को देखने की। देखिए स्कूल जो शब्द है, स्कूल विद्यालय, इसको हम 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि पहला है दोस्तों पाश्चात्य दृष्टि से और दूसरा है दोस्तों भारतीय दृष्टि से, भारतीय साहित्य की दृष्टि से। अब भारतीय साहित्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो स्कूल को हम हिंदी में कहते हैं विद्यालय, ठीक है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। इसका मतलब क्या होता है, वह आवास, वह स्थान जहाँ पे विद्या ग्रहण की जाती हो या विद्या आदान प्रदान की जाती हो, जहाँ पे शिक्षा दी जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्यालय कहते हैं। ये भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा का, विद्यालय का अर्थ है। पाश्चात्य दृष्टि से अगर हम बात करें, जो वर्ड है स्कूल, ये कैसे आया, विद्यालय का ये जो इंग्लिश वर्ड है स्कूल, ये कैसे आया। देखिए माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई, स्कूला से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है अवकाश, स्कूला का मतलब होता है अवकाश। अब देखिए हुआ क्या, एथेंस के युवक जिस स्थान पे, जैसे मान लीजिए एथेंस के युवक, एक खाली जगह होता था, खाली स्थान होता था, वहाँ बैठ के वो चर्चा करते थे, बातचीत करते थे,
फिर धीरे धीरे युद्ध होने लगा, वहाँ पे युद्ध की शिक्षा देने जाने लगी, वहाँ पे ट्रेनिंग होने लगा, वहाँ पे नई नई चीज़ें सिखाई और बताई जाने लगी। धीरे धीरे वह खाली स्थान जो स्कूला था, जो अवकाश का स्थान था, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, एक विद्यालय यानी कि शिक्षा देने का जगह के रूप में परिवर्तित हो गया और वहीं से एक शब्द निकला जिसे हम स्कूल कहते हैं। कहिए तो हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पश्चात दृष्टि से देखा जाए तो विद्यालय शब्द स्कूल का हिंदी रूपांतरण है। स्कूल शब्द अंग्रेजी भाषा है परंतु इसकी उत्पत्ति यूनानी के स्कूला शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है अवकाश। अवकाश शब्द एक विचित्र प्रकट करता है, स्पष्ट करते हुए लीच महोदय ने लिखा कि एथेंस के युवक जिस स्थान पर अवकाश के समय विचार विमर्श, वाद विवाद, खेलकूद आदि व्यतीत करते थे, वे स्थान धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्कूल संस्थागत केंद्र है जहाँ पे शिक्षा प्रदान की व्यवस्था की जाती है। स्कूल क्या है भाई, वह केंद्र है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे विद्या दी जाती है। वहीं अगर हम हिंदी सभ्यता के अनुसार बात करें, बहुत रटने वाला नहीं है, नॉर्मली इस हिंदी सभ्यता की बात करें तो क्या भाई, विद्यालय दो शब्दों से बना है, विद्या प्लस आलय, अर्थात वह स्थान जहाँ पे विद्या ग्रहण की जाती हो उसे हम विद्यालय कहते हैं। इस प्रकार विद्यालय वह स्थान है भाई, वह स्थान है जहाँ पे ज्ञान प्राप्त होता है, एक ऐसा वातावरण का निर्माण है जिसमें बालक एक निश्चित अवधि में निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा कर सके, वो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। अगर कुछ प्रमुख लोगों की परिभाषाओं को देखें, ये बड़ा सुंदर सा परिभाषा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखिए, इसको समझिए, बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, ऐसा स्पेशल इन्वायरमेंट है जहाँ पे जीवन के कुछ गुणों एवं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास सही दिशा में हो सके। वैसे जे एस रॉस ने कहा था कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि समाज सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यों के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। विद्यालय क्या भाई, सभ्य मनुष्यों के द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई संस्था है जिससे सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य बालकों के लिए तैयारी में सहायक, समाज के लिए हम एक सुव्यवस्थित एक योग्य सदस्य बना सके और समाज के लिए ऐसे व्यक्ति को बनाने में हमें सहायता मिले, इसलिए वो स्थान को एक अच्छे लोगों के द्वारा, एक सभ्य मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और उस स्थान को, उस भवन को, उस मकान को हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। गॉट इट। चलिए, ओटावे ने कहा था कि विद्यालय एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण प्रदान के लिए है, शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, बनाया गया। अब एस बालकृष्ण जोशी जी ने जो कहा था उसको याद कर लीजिएगा और मैं आपसे कहूँगा एक दिन के लिए इसको अपना स्टेटस बना लीजिएगा। स्टेटस मतलब जो आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना या फिर जहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, एक बार इसको जरूर करिएगा ताकि ये चीज़ें आपके याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। एस जोशी जी ने कहा था कि किसी उन्नति का निर्माण विधान, किसी देश की उन्नति का, ठीक है, यहाँ पे किसी देश की उन्नति, किसी देश की उन्नति का निर्माण विधानसभाओं में, न्यायालयों में और कारखानों में नहीं होता। किसी भी देश की उन्नति का विकास, जो उन्नति का निर्माण है, निर्णय है, वो विधानसभाओं में नहीं होता, ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं होता, न्यायालय में नहीं होता, कारखाना में नहीं होता, विद्यालयों में होता है। द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज डिसाइडेड नॉट इन द लेजिस्लेशन, नाइदर इन कोर्ट नॉर इन फैक्ट्री, बट इन स्कूल। कहाँ होता है भाई, विद्यालय में होता है। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, नाम सर्च करिएगा, आ जाएंगे श्री एस बालकृष्ण जोशी जी के बारे में, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, विद्यालय आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आइए, विद्यालय की आवश्यकता क्यों है, ये वो टॉपिक है, ये वो पॉइंट है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं से लिख सकते हैं कि विद्यालय एक बहुमुखी प्रतिभा का एक उत्तम स्थान है, बच्चों के प्रतिभा को निखारने का, बच्चों के प्रतिभा को जानने का, बच्चों में नई प्रतिभा टैलेंट शामिल करने का, देने का, एक क्या भाई, उच्चतम बेस्ट प्लेस है। विद्यालय पारिवारिक जीवन और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्यालय पारिवारिक जीवन और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो देखता है कि समाज कैसा है, परिवार से बाहर के लोगों से मिलता है, उनकी सोच से प्रभावित होता है और अपना उद्देश्य निर्धारित करता है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, धीरे धीरे आप इसको एक्सप्लेन करते जाएगा हेडिंग डालते हुए। विद्यालय सामाजिक विरासत की सुरक्षा एवं स्थानांतरण का प्रमुख साधन है। विद्यालय से ही हमें अपने पूर्वजों, अपनी पुरानी संस्थाओं, सभ्यताओं को जानने को अवसर मिलता है और हम उसे आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, कंप्लीट सिस्टमेटिक डेवलपमेंट स्कूल में होता है। आदर्श एवं विचारधाराओं का प्रसार, एक अच्छा आदर्श विचारधाराएं जो होती हैं वो फैलती हैं, प्रसार होता है विद्यालयों से। शिक्षित नागरिकों का निर्माण, प्रगति एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण, समाज की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक,
ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें क्या है भाई विद्यालय की आवश्यकता है। सेम चीज़ को हमने इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। द स्कूल इज द ग्रेट प्लेस ऑफ वर्सटैलिटी, स्कूल इज द इम्पोर्टेंट लिंक कनेक्टिंग द फैमिलीज लाइफ एंड द आउटसाइड लाइफ, या फिर आप सोसाइटी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो। चलिए नेक्स्ट है विद्यालय के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्कूल्स, क्या क्या कार्य होते हैं। बौद्धिक विकास, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, शारीरिक विकास करना खेलकूद के माध्यम से, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से, सफाई अभियान के माध्यम से, तरह तरह की चीज़ों से बच्चों का शारीरिक विकास करना, चरित्र का विकास करना, मोरल एजुकेशन देना उनको, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय कार्य के लिए उनको तैयार करना, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, बच्चों के आने वाले जीवन के लिए एक व्यावसायिक शिक्षा देना ताकि वो अपने जीवन के लिए कुछ कमा सके, कुछ खर्च कर सके, कुछ अर्न कर सके। नागरिकता के गुणों का विकास, एक अच्छे नागरिकता के गुणों का विकास करना, सामाजिक प्रगति का कार्य, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण कि आप समाज में कैसे एक लीडर बनेंगे, कैसे आप नेतृत्व करेंगे, कैसे समाज को आगे लेकर जाएंगे, इस चीज़ का विकास करने का कार्य विद्यालय करता है। मानसिक स्वास्थ्य का विकास का भी प्रमुख साधन है क्या भाई विद्यालय, मेंटल, दोस्तों मेंटल डेवलपमेंट और हेल्थ डेवलपमेंट क्या करता है विद्यालय करता है, स्कूल करता है, ठीक है। इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल कैरेक्टर, कल्चरल, नेशनल वर्क, इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन, लीडरशिप ट्रेनिंग, सोशल प्रोग्रेस, ये सारे क्या हैं द फंक्शंस ऑफ स्कूल हैं। इसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। मैं आपको पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसको आपको वर्ड टू वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, लिखना आप अपने शब्दों में, बट हेडिंग देख लीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा। अब एक सवाल आता है यहाँ पे, विद्यालय और समाज में संबंध, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको एक एस्से लिखना है, एक निबंध लिखना है। विद्यालय और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था वैसे ही बदलती है जैसे जैसे समाज बदलता है। विद्यालय समाज को बदल सकता है और समाज विद्यालय को बदल सकता है, समाज शिक्षा को बदल सकता है और शिक्षा समाज को बदल सकता है। इतना महत्वपूर्ण एक दूसरे में कनेक्शन है, इतना महत्वपूर्ण एक दूसरे के लिंक है, ये एक दूसरे के अनुश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक का संबंध का कारण एवं दूसरे का परिणाम है। समाज का क्या क्या ज़रूरत है ये विद्यालय पूरा करेगा और विद्यालय की क्या ज़रूरत है ये समाज पूरा करेगा। जैसे समाज होता है वैसी शिक्षा होती है, जैसे शिक्षा होती है वैसा ही समाज होता है। समाज अपनी संस्कृति, मूल्य, आधार से परंपराओं के संरक्षण के लिए विद्यालय रूपी संस्था का निर्माण करता है। देखिएगा जिन संस्कृति जिन संस्थाओं ने विद्यालय नहीं बनाए उनकी संस्कृति समाप्त हो गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों विद्यालय से ही, आप अगर देखेंगे इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रसार कहीं हुआ तो स्कूल की वजह से हुआ, ठीक है। इंग्लिश कल्चर की अगर हम बात करें या फिर क्रिश्चियनिटी की बात करें, इसका सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रसार हुआ तो स्कूल बेस्ट होता है आपको क्या करने के लिए, किसी भी संस्था किसी भी चीज़ों को प्रसार करने के लिए, स्वास्थ्य को प्रसार करना हो या फिर किसी भी चीज़ को, तो स्कूल को आप क्या बना सकते हैं बहुत बड़ा केंद्र बना सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकते हैं आप अपने कल्चर को। समाज अपने विद्यालय रूपी संस्था को बालक को शिक्षित एवं दायित्व सौंप रखा है। विद्यालय के माध्यम से समाज अपनी आवश्यकता अनुसार अपने होनहार को शिक्षा प्रदान करता है और भविष्य में की आवश्यकताओं की पूरी करती है। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सा है जिम्मेदार, विद्यालय जिम्मेदार। कहने का मतलब इन दोनों में संबंध क्या है, इन दोनों में आप इसी तरीके से लिखेंगे, ये एक दूसरे के अभिन्न अंग, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक का अस्तित्व है तो दूसरे का अस्तित्व है। विद्यालय समाज को प्रभावित करता है, समाज विद्यालय को प्रभावित करता है, समाज विद्यालय को बदल सकता है, विद्यालय समाज को बदल सकता है। सामाजिक बुराइयों को रोकने का कार्य विद्यालय करता है, विद्यालय समाज में चल रही गलत गतिविधियां, समाज को शुद्ध बनाना, समाज के पर्यावरण को ठीक करना, इन सारी चीज़ों को ठीक करने का कार्य कौन कर सकता है, विद्यालय कर सकता है। विद्यालय के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है, तो एक दूसरे का अभिन्न अंग है, एक दूसरे के बीच गहरा संबंध है, ठीक है। विद्यालय का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, विद्यालय के द्वारा समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आप, ठीक है, सामाजिक जीवन की तैयारी कर सकते हैं, सामाजिक प्रगति के लिए समाज को कैसे आप बेहतर आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं ये विद्यालय प्रभाव डालता है, सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का बड़ा सा एग्जाम्पल भेदभाव को आप स्कूल के द्वारा मिटा सकते हैं, सामाजिक विरासत का संरक्षण कर सकते हैं आप, सामाजिक शिक्षा द्वारा समाज की राजनीतिक विकास कर सकते हैं और समाज का भौगोलिक स्थिति नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जियोग्राफिकल सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब उनकी जैसे लद्दाख में जो चीज़ें चल रही हैं, जब स्कूल्स के बच्चे उसके लिए जागरूक होंगे, समझेंगे अपनी धरोहर को, तो उसे क्या कर सकते हैं संरक्षण कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमने जो बताया था आपको स्कूल बिल्डिंग स्कूल भवन के बारे में जानना है, तो ये भी आपको थोड़ा सा लिखना है। जैसे मान लीजिए विद्यालय को हम क्या कहते हैं, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, अतः विद्यालय प्रबंधन पर शिक्षक व छात्रों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।
विद्यालय को हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, विद्यालय को हम ऐसा रखें जहाँ पे बच्चा खुशी से काम करे, खुशी से पढ़ाई करे, उसे प्रसन्नता हो इस विद्यालय में आने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से विद्यालय के बारे में लिखना है। विद्यालय भवन एवं कक्षा ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को सहसा अपनी ओर आकर्षित करे। बच्चे को जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं उन्हीं वस्तुओं के बारे में वो बोर नहीं होते। छात्र अपना अधिकतर समय विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं, अतः विद्यालय भवन एक वहाँ का वातावरण ऐसा हो जो छात्र को बांधे रखे। तो विद्यालय भवन के बारे में लिखेंगे। अब इसकी कुछ विशेषताएँ हैं कि विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए। विद्यालय स्कूल की बिल्डिंग के लिए आपको पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। आजकल के जो प्राइवेट स्कूल खासतौर पर मतलब छोटे छोटे कमरे बना देते हैं और हाइट छत की इतनी कम रहती है कि गर्मी ज़बरदस्त होती है। वातावरण अच्छा रहे, पेड़ पौधे रहें, फल फूल रहें, अच्छा रहे वातावरण, अच्छी बनावट हो विद्यालय का। अभी हम देखेंगे विद्यालय की बनावट, बिल्डिंग के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। कम लागत हो, लचीलापन हो, सुरक्षित क्षेत्र हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी जगह बना दिया जहाँ पर गलत तरीके से जानवर आ रहे हैं या कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित वातावरण हो और विद्यालय भवन सुंदर हो, सजा लिखा हो, पेंट हो, अच्छा हो, मतलब पपड़ी उल्टी हुई ना हो, पपड़ी ख़राब ना हो, समझ लीजिए। तो विद्यालय भवन की इस तरह की विशेषताएं होती हैं। हाँ, मेन पॉइंट आता है दोस्तों स्कूल डिज़ाइंस के बारे में। देखिए दो तरीके के स्कूल डिज़ाइंस को प्रायः मानते हैं। पहला है दोस्तों खुली ओपन प्लानिंग और क्लोज प्लानिंग। ओपन प्लानिंग का मतलब आपका स्कूल किस तरीके से है। जैसे मेरा कॉलेज जो है वो एल टाइप का है, ठीक है, ये ओपन डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो स्क्वायर में होते हैं और ऊपर से ढका हुआ होता है, तो इसको क्लोज डिज़ाइन कहते हैं। तो ओपन खुली हुई योजना के अंतर्गत विभिन्न आकार वाली इमारतों का निर्माण किया, जैसे एच टाइप की बिल्डिंग, ई टाइप की बिल्डिंग, आई या वन टाइप की बिल्डिंग, टी टाइप की बिल्डिंग और फोर टाइप की बिल्डिंग या वी टाइप की बिल्डिंग। तो इस तरीके के बिल्डिंग्स जो है स्कूल्स की हैं उसको हम ओपन डिज़ाइंस के अंतर्गत लाते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा, पहले इसको समझिए। क्लोज्ड में कौन कौन से आते हैं। ठोस आयत, ठोस आयत का मतलब जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत भरी हुई है, ये एक ठोस आयत है, ठीक है। आयत, आयत मतलब चारों तरफ से बिल्डिंग की दीवारें हैं, बीच में खाली जगह है, तो ये क्या हो गए, ये एक आयत है। शून्य आयत का मतलब चारों तरफ से बिल्डिंगें हैं, बीच में गोल सा बना गया, तो ये है शून्य आयत। अब इन चीज़ों की बात करें तो इसका देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जांपल है। देखिए जैसे ये देखिए एल टाइप की बिल्डिंग है, यहाँ से रूम रूम क्लासरूम है, ये ओपन स्पेस है। ये यू टाइप की बिल्डिंग है, ठीक है, ये नॉर्मल रो बिल्डिंग है। ये ओ टाइप की बिल्डिंग है जहाँ पर बीच में स्पेस है। ये ओ शेप जो मैंने कहा था आपको, ये वाली ठोस आयत, दोस्तों ठोस आयत मतलब ये पैक्ड है ऊपर से बिल्कुल पैक वाली बिल्डिंग। तो इस तरीके के बिल्डिंगों की डिज़ाइन होती है। ये देख लीजिए यू टाइप बिल्डिंग, एल टाइप बिल्डिंग, आई टाइप बिल्डिंग, एच टाइप, इस तरीके से बिल्डिंगों का मकान और कमरा होता है। और ये कंप्लीट ठोस है दोस्तों, ठीक है, ठोस आयत। और ये है दोस्तों आयत, ओपन आयत, यहाँ पे बिल्डिंग, ये ठोस। तो इस तरीके से बिल्डिंगों की डिज़ाइन होती है। सवाल आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, सवाल आपसे पूछेगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे विद्यालय के ओपन प्लानिंग और क्लोज प्लानिंग, खुली योजना और बंद योजना, इसके प्रकार लिखेंगे एच टाइप, ई टाइप। और आप ऐसे तो नहीं बना पाएंगे, तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा विद्यालय एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे ये आप बनाए गए ना, इस तरीके से आप एग्जाम में क्लासरूम 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 इस तरीके से आप इसको बना देंगे। तो ये हो गए दोस्तों स्कूल डिज़ाइंस के बारे में। कुछ मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, स्कूल की जो बिल्डिंग होती है उसमें कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे क्लासरूम तो होगा ही होगा, प्रिंसिपल्स का भी कमरा होना चाहिए, स्कूल की ऑफिस होनी चाहिए जहाँ पे आप फीस लेना ये सारी चीज़ें काम करते हैं, विजिटर्स के लिए कोई रूम, कोई विजिटर प्रिंसिपल से मिलने आता है तो उसको बैठने के लिए एक जगह होना चाहिए, मीटिंग रूम हो जहाँ पे आप टीचर्स और सारे स्टाफ मिलके मीटिंग कर सके, टीचर्स रूम हो जहाँ पे टीचर खुद बैठ सके, लाइब्रेरी हो, साइंस रूम हो, स्कूल कैंटीन हो, वॉशरूम्स या टॉयलेट या साइकिल स्टैंड हो, पार्किंग की जगह हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं विद्यालय भवन के प्रमुख भाग हैं। सवाल पूछता है तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये सवाल इस तरीके के सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख रखाव संबंधित सिद्धांत, ठीक है। बस इसके बाद ये वीडियो समाप्त होगी। क्या हुआ, बोरिंग, ज़्यादा लंबा हो गया। देखिए एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है, मगर फिर भी मैं मेहनत करता हूँ। ये ऐसा टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है, बस एक बार देखना है, बस आप देखिए और मुझे पक्का बताइए कि कल आपको पेपर में ये मिलेगा। जब मिलेगा तो बस छाप दीजिएगा, हेडिंग बस ध्यान में रहे, वरना 20 मिनट 25 मिनट क्या है, कुछ नहीं। आप एक रील्स देखिए 20 मिनट में ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है, कोई सॉन्ग सुनिए तो ऐसे निकल जाते हैं। तो कम से कम पढ़ाई का देख लेंगे, और ये वो चीज़ है कि फिर आपको दोबारा सेकेंड सेमेस्टर तो पढ़ना नहीं, इतना समय तो दे ही सकते हैं, कुछ नहीं तो आप हमें दे दीजिए, चलिए ठीक है। देखिए इसकी सुरक्षा संबंधित बात करें तो नॉर्मल समझ लेते हैं कि आपको कल एग्जाम में क्या लिखना है। विद्यालय भवन एवं विद्यालय के संबंधित सामग्रियों की सुरक्षा रखरखाव के लिए आवश्यक है कि जो प्रिंसिपल हैं वो किसी को संरक्षक नियुक्त कर दें, किसी को अपॉइंट कर दें कि आपकी जिम्मेदारी कि इसकी सिक्योरिटी देखना, या फिर टीचर्स और प्रिंसिपल सब मिलकर एक टीम की तरह काम करें और विद्यालय की चीज़ों की रखरखाव करें, ठीक है।
और इमरजेंसी केसेस में जैसे अग्निकांड, अचानक किसी भाग का गिरना या पड़ना, बिजली की समस्या या दुर्घटना, इन चीज़ों के लिए आप सतर्क रहें। तो सुरक्षा के लिए इन चीज़ों के लिए हम एक क्या करते हैं, एक संरक्षक नियुक्त करते हैं, एक जिम्मेदार नियुक्त करते हैं जो इन चीज़ों की देख रख रखाव करता है। इसके अलावा विद्यालय की सुरक्षा के कुछ सिद्धांत हैं जिसको पालन करना चाहिए। जैसे जहाँ तक संभव हो विद्यालय की भवन एक मंजिल हो, ये सुरक्षा का सिद्धांत है। जहाँ तक पॉसिबल हो खासतौर पर बच्चों के स्कूल्स में एक मंजिली स्कूल रखिए सुरक्षा, क्योंकि इससे एक और फायदा होता है कि प्रिंसिपल्स के आप करीब रहते हैं, दूसरा दोस्तों की बच्चों के घिरने का डर रहता है, और अगर स्कूल कई मंजिला है तो अच्छे तरीके से वो घिरा हुआ, ठीक है, बंद वातावरण में। भवन योजना विस्तार पूर्ण होनी चाहिए। विद्यालय भवन का निर्माण हेतु स्थान, भूमि, क्षेत्र, वायु, प्रकाश एवं अन्य संबंधित तत्वों के, जब आप स्कूल बनाएं तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, किस मिट्टी पे बना रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे भूकंप आता हो या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भूखलन होता हो, तो इस चीज़ों का निर्माण ध्यान रखना। विद्यालय भवन के निर्माण में प्रयोग लाने वाले द्रव्य उच्च स्तर अथवा स्थायी प्रकृति को, मतलब हाई क्वालिटी के सीमेंट लगाइए, हाई क्वालिटी का बालू लगाइए, अच्छे से पानी दीजिए, जो भी चीज़ें करें सही से इस चीज़ को ध्यान रखिए। पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और स्नानघर एवं इस वॉशरूम्स के लिए भी उत्तम स्थान होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय में खेल का मैदान विद्यालय के समीप या उसके भीतर ही होना चाहिए, मतलब कैंपस छोड़ के दूसरी जगह बच्चे नहीं खेलने जाएं, उसी कैंपस के अंदर रहना चाहिए। विद्यालय भवन निर्माण की योजना वैज्ञानिक एवं आधुनिक होनी चाहिए तथा नियमों का भी उचित पालन हो, ठीक है, अच्छे से पालन किया जाए। स्कूल की स्थिति इस प्रकार हो कि छात्र घर के स्कूल 1 किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े, ऐसा ना हो कि मतलब वहाँ पे सवारी ही नहीं जाती, वहाँ पे बाइक या कुछ जाता ही नहीं है, उतर के 2-3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, तो इस चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। एक्सीडेंट से बचाना है बच्चों को, रोड क्रॉसिंग, इस सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। चलिए विद्यालय की बस लास्ट पॉइंट है, विद्यालय की सज्जा कैसे सजाना है, कैसे चमकाना है, कैसे साफ सुथरा रखना है। समतल प्रांगण हो, मतलब बस समझ जाइए इसको, पॉइंट देखिए, प्रांगण को समतल रखिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हो। दूसरा, चारों तरफ सुंदर पेड़ पौधे हो, हरी घास लगी हो, फूल हो, गमले हो, इस तरीके से आप विद्यालय को सजाइए। सुंदर चित्र और नक्शे क्लासरूम के अंदर बने हों, अंदर अंदर पेंट अच्छा हो, अंदर टाइल्स अच्छी लगी हो। आने जाने के लिए जो भी हो रोड, वो ईंट हो, या ऐसा नहीं कि बारिश में कीचड़ हो जाती है, ऐसा नहीं, सुंदर फर्श लगा होना चाहिए। समय समय पर मरम्मत कराने चाहिए। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवा छिड़कना चाहिए और विशेष स्थानों पर नोटिस बोर्ड आदि लगाकर साफ करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे विद्यालय को आप साफ सुथरा बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ये आपका एक पॉइंट जो था वो कंप्लीट हो गया, बाकी हम दो वीडियो में इन दो पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे आपका सिलेबस की बात करें तो ये आप हम सिलेबस देख रहे थे, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे आप कंप्लीट आप देख चुके हैं विद्यालय के बारे में, विद्यालय और विद्यालय के भवन के बारे में। नेक्स्ट इसका विद्यालय का वातावरण और भौतिक संसाधनों के बारे में, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वहाँ भी आप क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी पसंद आई हो वीडियो, समझ आई हो वीडियो। अगर समझ आई हो दोस्तों, पसंद आई हो, तो आपको क्या करना है, लाइक कर दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले अगर मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं, कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रियाएँ देते हैं, तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में राय प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए, आशा करते हैं आप अच्छा लिख के आएंगे। अन्य वीडियोस, और एक बार डिस्क्रिप्शन में ना एक वीडियो का लिंक होगा पूरा, उसको चेक करिएगा। इसके पहले के वीडियोस जैसे भी यूनिट 1 और यूनिट 4 के मैंने बनाए हैं, उसको मैं वहाँ सीरियल नंबर से दे वहीं रख देता हूँ। और ख़ास रिक्वेस्ट ये है, व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट का पहला कमेंट भी व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों का है, बीएड के बच्चों का है, तो अगर आप जुड़ सकते हैं, बहुत ही सुरक्षित है, आप जुड़ सकते हैं, अच्छे बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, और अच्छे बच्चे हो भी क्यों ना, बीएड करने वाले बच्चे अच्छे ही होते हैं, क्यों, क्योंकि वो टीचर बनने जा रहे हैं। दरअसल वो स्टूडेंट नहीं होते, वो टीचर्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो छात्र अध्यापक होते हैं, ठीक है, वो बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो अच्छे ही होंगे, आप भी अच्छे हैं, अच्छे लोगों के अच्छी जगह पे स्वागत है, यहाँ चैनल में भी आपका स्वागत है। तो नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे, बातें करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।